हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो है लॉ रिलेटेड टू कोर्ट मैरिज और लव मैरिज। ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का सेकेंड पार्ट है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम पहले वीडियो में बात कर रहे थे ओनली द लॉ रिलेटेड टू स्पेशल मैरिज एक्ट, वही हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वो ये है कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैरिज एक्ट है। हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मोहम्मदन्स के लिए मोहम्मदन लॉ में जो भी मैरिज रिलेटेड लॉ है वो। पर ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसके अंदर कोई भी रिलीजन का इंसान शादी कर सकता है, उसका रिलीजन कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं करेगा। यही स्पेशलिटी है स्पेशल मैरिज एक्ट का। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में जो भी प्रोसीड्योर ऑफ द मैरिज है वो। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है ये मैरिज कंप्लीट करने में वो। पहला जो डॉक्यूमेंट है जो है रिक्वायर्ड एज प्रूफ करने में वो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो वो 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट भी दे सकता है, अगर वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट भी दे सकता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है आधार कार्ड। एक बात मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो पर आधार कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली मेंशन किया गया हो तो आधार कार्ड को भी एज अ एज प्रूफ कंसिडर किया जा सकता है। एंड आधार कार्ड मेनली रिक्वायर्ड होता है एड्रेस प्रूफ के लिए। नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, और ये इसलिए चाहिए होता है कि आप इंडिया का सिटीजन हो कि नहीं इस चीज़ को प्रूफ करने में। और इसके लिए आप दे सकते हो वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो तो गवर्नमेंट सर्विस का आई कार्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्या फॉर्मेलिटीज या प्रोसीड्योर होता है ये मैरिज कंप्लीट करने में। पहला जो फॉर्मेलिटी है वो ये है कि पार्टीज जो शादी करना चाहते हैं उनको शादी के 30 डेज पहले जाके मैरिज ऑफिसर को एक नोटिस देना पड़ता है कि वो लोग शादी करना चाहते हैं। फिर वो नोटिस जो मैरिज ऑफिसर के पास होता है वो नोटिस को उनको पब्लिश करना होता है कोर्ट में, कुछ ऐसा जगह पर जहाँ पर कोर्ट में आता जाता कोई भी इंसान उसे देख सके। फिर वो नोटिस देखने के बाद अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो ऑब्जेक्शन को मैरिज ऑफिसर के सामने जाके बोल सकता है। मैरिज ऑफिसर वो ऑब्जेक्शन को सुनेगा, अगर ऑब्जेक्शन वैलिड हो तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेगा, पर अगर ऑब्जेक्शन इनवैलिड हो तो उसको डिस्पोज कर देगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो नोटिस देने के 30 डेज के बाद मैरिज सेरेमनी होगा जहाँ पर मेनली पार्टीज को सिग्नेचर करना होता है, और ये सिग्नेचर जो है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैरिज ऑफिसर जो है ADM या फिर SDM एंड इन द प्रेजेंस ऑफ 3 विटनेसेस। फिर मैरिज रजिस्ट्रर को पार्टीज को ओथ करवाना होता है मैरिज ऑफिसर के सामने। फिर मैरिज कंप्लीट होने के बाद मैरिज ऑफिसर मैरिज सर्टिफिकेट बुक में मैरिज सर्टिफिकेट का एक फोटोकॉपी एंटर करते हैं एंड पार्टीज को भी वो जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो अभी आप जान चुके होंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर हम कितना इजी प्रोसीड्योर फॉलो करके अपना मैरिज जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और जो चीज़ आपको पता नहीं था उसके बारे में आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गैदर किया होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।